हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, देखो गाइस, न्यू मून आया हुआ है, मतलब आके चला गया है। तो ये जानेंगे कि न्यू मून का इम्पैक्ट आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन पर क्या पड़ा है, ठीक है? न्यू मून के आने से आपकी इस कनेक्शन में क्या बदलाव आ सकते हैं, या इसका मतलब क्या, कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव? वैसे तो मैं हर चीज़ को एज अ पॉजिटिव ही कंसीडर करती हूँ, तो यहाँ पे जो भी आएगा मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके कनेक्शन पर इसका ओवरऑल क्या असर पड़ा है, आपकी लाइफ पर, आपके पार्टनर की लाइफ पर क्या असर पड़ा है, ठीक है? सारी बातें जानते हैं, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ट्राइम्फ एंड सक्सेस कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए लूंगी, कुछ आपके पार्टनर के लिए लूंगी, फिर आपके कनेक्शन के लिए लूंगी, ठीक है? सारी बातें जानेंगे बहुत अच्छे से। गाइज, आपके लिए न्यू मून ने 11 नंबर भेजा है और आपके पर्सन के लिए नंबर 5 है। ओ माई गॉड, देखो आपके लिए 11, आपके पर्सन के लिए 55 और कनेक्शन के लिए अभी तक 5 ही आया है नंबर। नंबर पर भी हमें फोकस करना है बहुत अच्छे से। चलो एक और कार्ड आ गया, इसको भी देखते हैं। नंबर 3, ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड विजडम कार्ड। एक एक कार्ड और लेते हैं थोड़ा एक। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। नंबर 9 एंड फ्रेम फाउंडेशन नंबर 4 एंड कनेक्शन के लिए न्यू बिगिनिंग। वाओ, वंडरफुल एनर्जी जो न्यू मून से आप लोगों को मिलेगी। और यहाँ से ये आप तीनों के लिए, यानी कि जो तीनों सेक्शन जो मैं निकाला है आपके लिए, आपके पार्टनर एंड दिस कनेक्शन, ओवरऑल एनर्जी फॉर नंबर 1, मतलब ये जो ओवरऑल जो एनर्जी आप तीनों कैटेगरी में, ये नंबर 1 है। यानी कि तीनों में कुछ ना कुछ नया तो होकर रहेगा, कुछ ना कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, कुछ ना कुछ नया गाइडेंस, नया चैलेंज, नया अबंडेंस, ठीक है? आप नंबर 1 कंसीडर करें, न्यू बिगनिंग। तो आप तीनों, आपके कनेक्शन आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, यस, कुछ न्यू होने वाला है, ठीक है? इसको हम साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स को रीड करूंगी कि आपके लिए क्या ये न्यू मून ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आया है। सबसे पहली बात है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये एनर्जी मुझे मिल गई थी जब मैंने ट्रायंफ एंड सक्सेस का कार्ड देखा था, बिकॉज ये कार्ड होता है विक्ट्री का कार्ड, ठीक है? विक्ट्री, विक्ट्री किस चीज के लिए देख के जा रहा है आपको ये न्यू मून? आपके सब्र के लिए, आपके डेडिकेशन के लिए, आपकी हिम्मत के लिए। क्योंकि यस, आप एक ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं किसी के, तो गाइस मुझे मालूम है आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है अभी तक, आपने कितना सब्र करा है। आप डिवाइन फेमिनिन है, फिर चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, आप डिवाइन फेमिनिन है। और मुझे पता है एक डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में इतनी मुसीबतें, इतना संघर्ष लिखा होता है ना, तो न्यू मून आपको ये सक्सेस इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके पास्ट कर्मा आपने बहुत अच्छे से निकाले, बहुत अच्छा आपने आपको किया, अपनी सोल को प्योर किया है और आपने ज़िंदगी जीत ली है। गाइज मैं ये बोलूँगी, ये जो कार्ड है ना, ये क्लियर मुझे बता रहा है कि आपने ज़िंदगी जीत ली है। आप आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, चाहे सुख आए दुख आए, आप हिम्मत नहीं हारते। आप उदास हो सकते हो, आपको रोना आ सकता है, आप इंसान हो, अभी भी मास्टर सोल में तो कन्वर्ट नहीं हुए हो ना, लेकिन बहुत हद तक आगे बढ़ गए हो, एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हो जहाँ पर आपको खुद पर प्राउड होने लगा है। आई कैन फील योर एनर्जी फ्रॉम दिस कार्ड एंड आप डिज़र्व करते हैं कि आपकी आपको ये खुशियाँ मिले, आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिले। पता है इस टाइम मिले ना मिले फ़र्क भी नहीं पड़ता आपको, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर, कर्मा किया है आपने, मिलेगा तो ज़रूर, ठीक है? और जब मिले ना तो इसकी कदर करना, क्योंकि एक टाइम पर ना ऐसा लगता है मिल गया, ना मिला ना सही, ऐसा भी फील होना शुरू हो जाता है जब बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ जाते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। तो जब मिलेगा ना तो आपको ना ऐसा भी लगेगा, ऐसा भी हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि आपने हमेशा बुरा ही देखा है या फिर बहुत स्ट्रगल देखा है, आदत पड़ चुकी है आपको इस स्ट्रगल की, ठीक है? इन सफरिंग्स की ना, मतलब इसी में आपने खुद को एडजस्ट करना सीखा, इसी को अपना कम्फर्ट जोन सा बना लिया आपने। और जब खुशियाँ रियालिटी में आएगी तो आपको लगेगा ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मेरी ज़िंदगी में। तो ट्रस्ट मी, न्यू मून तो आपके लिए
सक्सेस और लव दोनों लेकर आ रहा है। अगर अभी रिश्ते में, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, रिश्ता अभी ठीक नहीं है आपका, पर्सन की एनर्जी आई है 555, यानी कि ये पेन में है, ये परेशान है इस टाइम। तो आपका रिश्ता इस टाइम लव कनेक्शन डिस्टर्ब है। किस वजह से? आपके पार्टनर की वजह से, क्योंकि उनकी लाइफ में हार्डशिप्स है, सफरिंग्स है राइट नाउ, बट आपके पास पीस है, ठीक है। और आपके पास ये जो लव बिगेंस का कार्ड है ना, ये कार्ड बता रहा है आपका सब्र थोड़ा सा और रख लो, आपकी लव लाइफ भी जल्दी शुरू हो जाएगी। 111 एंजल नंबर वी हैव इन दिस रीडिंग, ये आपके लिए भी तो है ना नंबर। यस, तो न्यू मून आपके लिए एक न्यू साइकिल स्टार्ट करवाएगा। अभी हो सकता है जिस अभी करंट फेज में हो, इसमें थोड़ा सा और सफरिंग बची है बिकॉज आपके पार्टनर के पास थोड़ा सा स्ट्रगल है। बट गाइस ट्रस्ट मी, ये न्यू मून ना आपको कुछ ही टाइम के बाद, हो सकता है 10 दिन बाद, हो सकता है 15 दिन बाद, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है और हो रही है। आपकी आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी करवा के जाएगा न्यू मून। ये न्यू मून की एनर्जी आपके लिए एक ऐसी ब्लेसिंग है या ऐसा मिरेकल है जो आपकी एक विश पूरी करवा के जाएगा। और ये विश हो सकती है आपके करियर में और आपके लव लाइफ में, ये आप लिखवा लो, ये होके ही रहेगा, ये होगा। जिनके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, अगर आप सच में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, 80% आगे बढ़ गए हो, तो ये चीज़ होगी आपकी लाइफ में। आपके पर्सन के पास देखो, आपके पर्सन को न्यू मून ने न्यू ट्रिगर्स दिए हैं, ठीक है। पागल से हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है करें क्या, कनेक्शन पर फोकस करें या अपने करियर पर। तो इन्होंने अपना करियर चुना है, आपको नहीं चुना, इन्होंने अपना करियर चुना है। फ्रेम फाउंडेशन, ये अपना फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। इन्होंने बोल दिया है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको इन्होंने क्लियर बोल दिया होगा। तो इनकी ना कंडीशन को समझने की कोशिश करना, अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करते रहना। बात बिगड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी चैलेंजेस आए हुए हैं लाइफ में, और कुछ नहीं हो रहा है, बात नहीं बिगड़ी आपकी। तो ये पर्सन न्यू मून के आने से ना ये डिस्टर्ब हुए हैं, आपको काफ़ी रिलैक्स मिला है, ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के साथ। कनेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे? कनेक्शन और ज़्यादा सॉलिड होगा, ठीक है, और ज़्यादा सॉलिड। विजडम का कार्ड है ना, यानी कि कनेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड जो है आपका इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और इसी के साथ साथ न्यू बिगिनिंग भी आएगी, फ्रेश न्यू स्टार्ट, ठीक है, ये बिल्कुल होके रहेगा। एंड नंबर थ्री देखो, नंबर फाइव, नंबर थ्री, नंबर जीरो यहाँ पर आपके लिए आया, और नंबर वन भी है हमारे पास, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चाक्रा का मतलब होता है आप इस कनेक्शन में जो भी उथल पुथल हो रही है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। इस कनेक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो जाएगी आप दोनों की वजह से। और यस, न्यू बिगनिंग है इस कनेक्शन में, डेफिनेटली न्यू मून आपको न्यू बिगनिंग दे के जाएगा। इस कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए ब्लेसिंग्स देकर गया है, जिसका रिजल्ट आपको कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगा। तो टेंशन मत लेना, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है गाइस, कि आपको अपने ऊपर प्राउड फील होने लगा है, ये सबसे अच्छी बात है। आपने कभी किसी का गलत नहीं करा, बुरा नहीं किया, तो क्यों आपका दिल रोएगा? आपने तो अच्छा ही किया है ना, अपनी अच्छाइयों पर, ठीक है, अपनी आत्मा पर और अपने भगवान पर हमेशा भरोसा रखना, ठीक है। हो सकता है देरी से मिले, लेकिन आपको वो बहुत अच्छा ही देंगे, बहुत अच्छा देंगे, ठीक है। तो अपने भगवान पर ना पूरा पूरा ट्रस्ट रखो, अपने ऊपर और अपने ऊपर नहीं, अपनी सच्चाई के ऊपर ट्रस्ट रखो, ठीक है। क्योंकि हम जो भी हैं वो हमारी सच्चाई है, हम कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान का करेक्टर बताने के लिए। तो मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्वीट सी, प्यारी सी लग रही है, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इन कार्ड्स को देखकर। और ये न्यू मून ने और ज़्यादा एनर्जी को ना एनहांस कर दिया है, ठीक है। आपको एक अलग ही ग्लो दिया है न्यू मून ने, एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिया है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। आपके पर्सन की परीक्षा हो रही है, आप इनके लिए भी प्रार्थना कर लो, आप करो इनके लिए प्रार्थना, आपके डिवाइन मैस्कुलिन है आखिरकार, ठीक है। बाकी कनेक्शन में सब कुछ सही जाएगा, थोड़ा सा सब्र और है, लेकिन आगे चलकर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो मैं और कहीं से नहीं, सिर्फ मैं लॉर्ड कृष्णा से पूछूंगी आपके लिए अभी क्या गाइडेंस आ रही है। टाइम टू मूव ऑन,
अगर ये पर्सन आपको टाइम ना दें तो आप भी मूव ऑन कर जाना, ज़्यादा रोना नहीं, परेशान मत होना, और मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। अब मूव ऑन का मतलब ये नहीं है इस इंसान को, इस कनेक्शन को टाटा बाय बाय बोलना है, नहीं, फिक्र नहीं करनी बस, ठीक है, मैनिफेस्ट करते रहना है, बट टेंशन नहीं लेनी है। और जो आपके लिए पाथ बनाया हुआ है डिवाइन ने, उसको फॉलो करना है, अभी पीछे मुड़कर देखना नहीं है। जो चेंजेस आपको चाहिए उनको मैनिफेस्ट करना है। स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, अपने अंदर के डिवाइन के साथ कनेक्शन बना के रखना है। शांति से बैठना है, आंखों को बंद करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, देन यू विल गेट योर ऑल आंसर्स। जो आपको परेशान कर रहे हैं उनके आंसर्स आपको मिलेंगे, जो क्वेश्चंस आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, यू विल गेट ऑल द आंसर ऑफ योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस में आई 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 है। तो आपको पैनिक नहीं होना किसी भी हालत में अपने पर्सन की वजह से, रिलैक्स माइंड से, चिल माइंड से आपको आगे बढ़ना है। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना है गाइज, बाय, टेक केयर।